जिस तरीके से आप 5-7 दिन से लगातार सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं रात को 4-4 बजे तक, किस तरीके का लोगों में इस योजना के प्रति गुस्सा है या सिर्फ बनाया जा रहा है? देखिए, योजना के प्रति ज़बरदस्त गुस्सा है, क्योंकि सेना का जैसे ही नाम आता है हर भारतीय के मन में सेना के प्रति एक सम्मान है। और हमारे बच्चे खाली रोजगार के लिए सेना में नहीं जाते, इतिहास हमारा एक कहता है, जो रेजिमेंट है सेना के अंदर बनी, वार क्राइम में उनका झंडा अलग होता है, स्लोगन अलग होता है, और झंडे और स्लोग के साथ वो आगे बढ़ती लड़ती रहती दुश्मनों से। चाइना की जो 62 की लड़ाई थी उसमें हमारे पास गोला बारूद हथियार नहीं थे, बंदूकें ख़राब हो गई थी नेहरू की भूल की वजह से, लेकिन हमारा एक एक सैनिक 10-10 चाइनीज में भारी पड़ा था और मरोड़ मरोड़ के उनको मार दिया था 62 के अंदर। हिंदुस्तान की थल सेना का बड़ा इतिहास वर्ल्ड के अंदर सबसे लड़ाकी सेना मानी जाती है। इस टीओडी से किसान आंदोलन के अंदर भी लोगों ने कहा था, विरोध भी हुआ, किसान बिल वापस लेने पड़े। इसके अंदर लोग ये कह रहे हैं कि और ये सही भी है, 4 साल टूर ऑफ ड्यूटी, 4 साल के लिए अब कैसे जाएगा वो आदमी, कैसे वो अनुशासन के अंदर रह के काम करेगा, क्यों खराब होगा वो आदमी? परमानेंट होने के लिए उसको कितना कितने दौर से गुजरना होगा, और जो 75% वापस आएगा वो ट्रेनिंग करके आएगा, उसको वो पैरामिलिट्री फोर्स जो नक्सलवादियों के खिलाफ लड़ती है आंतरिक झगड़ों के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स को भेजते हैं, CRPF CIA से भी जाती है, तो मिलिट्री की ट्रेनिंग किया हुआ व्यक्ति अगर पैरामिलिट्री फोर्स से लड़ेगा अलगावादी बन के, तो पैरामिलिट्री फोर्स को तो मार भगाएगा वो आदमी। तो ये तो कोरा मच गया देश के अंदर, और इस इतना बड़ा आंदोलन होगा, ये जोर पकड़ेगा, और इसकी शुरुआत जोधपुर से होगी। अहिंसात्मक तरीके से हमने आंदोलन की शुरुआत की है, और ये छोटा आंदोलन नहीं, बिहार के अंदर आंदोलन दिशाहीन हो गया था पहले 2-3 दिन, बच्चों को गिरफ्तार भी कर लिया, ट्रेनें जला दी, सरकारी संपत्तियों को नुकसान भी पहुँचे, कोई लीडर उनके आगे नहीं आए। लेकिन राजस्थान में बच्चों को धन्यवाद दूंगा कि सारे हनुमान बेनीवाल पर भरोसा करके उसके साथ खड़े हैं। आंदोलन राजस्थान, हरियाणा, यूपी, दिल्ली बढ़ेगा, और लोकसभा चलेगी तो और बढ़ेगा, ये तो बहुत फैलेगा आंदोलन, और मोदी को इसके अंदर झुकना पड़ेगा, नहीं तो देश के जवानों का जो केयर है वो बरपेगा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, इनको सत्ता से बाहर आना पड़ेगा। राजनीतिक जानकार ये मान रहे हैं कि 2023 चुनाव के लिए आप अपने संगठन को पूरी तरीके से मजबूत करने में जुटे हैं, 2023 की किस तरीके की तैयारी है, क्या बिगुल बज चुका है, किस तरीके से आप जा रहे हैं? ये 5-6 उपचुनाव हुए थे उसमें आपने देखा नहीं कि बिगुल बजा था, मेरी जीती हैसियत थी, ताकत थी, मैं लड़ा चुनाव, सुजानगढ़ में लड़ा, भाजपा हारी, साड़ा में लड़ा, बल्लभ नगर के अंदर मैं सेकेंड रहा, बीजेपी 4थे नंबर पर चली गई, 4-5 जगह लड़े, पंचायत चुनाव लड़े, पालिका चुनाव लड़े, और ये राजस्थान की पहली पार्टी बन गई RLP, जो गांव-गांव, डाणी-डाणी, हर मोहल्ले के अंदर RLP को जानने लगे लोग, पार्टियां तो और भी थी। और सबसे बड़ी बात, आज राजस्थान के लोग हमारे विश्वास इसलिए भी कर रहे हैं, जहाँ कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेती है वहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी न्याय दिलाने के लिए जाती है। जैसे आपका RTI जो कार्यकर्ता अमराराम था, उसका मामला भी लास्ट में RLP पार्टी ने आके उसको न्याय दिलाया। हो सकता है कि अभी कुछ मुलजिमों की गिरफ्तारियाँ नहीं हुई होगी, लेकिन सारी हो जाएगी। राजनीति में आप सारी चीज़ें जानते हो कि कोई अगर किसी को न्याय दिलाता तो विरोध में भी कई लोग खड़े हो जाते हैं। बाड़मेर से ले नहीं, तमाम राजस्थान के अंदर देख रहे हो, चाहे सदन हो, विधानसभा या लोकसभा, एक ही आदमी आपको लड़ता हुआ नजर आता है। आपके लिए भी जब पत्रकारों को सिविल लाइन में जाने से पाबंद कर दिया तो हनुमान बेनीवाल सबसे पहले बोलता है, भाई लोकतंत्र खत्म हो रहा है और उसको बचाना है। कांग्रेस बीजेपी के मिला जुली के खेल को राजस्थान की जनता जान चुकी है, और 23 में बड़ा बदलाव राजस्थान के अंदर होगा, और ये नतीजे आप जल्दी सड़कों पे आपको देखने के अंदर मिलेंगे। इसमें लड़ाई किससे, बीजेपी से या कांग्रेस से? बीजेपी से रहेगी RLP की लड़ाई। अच्छा हनुमान जी, जिस तरीके से 2023 की बात की जाए और ये पूरा का पूरा योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन है, कांग्रेस की सरकार के बारे में क्या कहेंगे? 3-3.5 साल के कभी राहुल गांधी के लिए कांग्रेस प्रदर्शन, कांग्रेस तो फेल हो गई। कांग्रेस के मैंने गिना तो दिया अभी नाम, मैं जोशी, महेंद्र चौधरी, आपका विदुड़ी, मलिंगा, जोनीलाल, प्रताप सिंह, एक वो और था हमारे जो एक लड़की कूद गई थी ना होटल से, उसको बचा लिया था CM ने, भीलवाड़ा वाला MLA मंत्री बन गया, ये जितने भी हैं, एक दर्जन तो जिन पे आरोप लगे बलात्कार के, आपके परिवार हत्याएं करा रहा है, लूट खसोट करा रहा है, और रोज़ रंगदारी के आरोप इनके नेताओं पर लग रहे हैं, इनके विधायकों पर लग रहे हैं। और बाड़ों में अविश्वास देखिए कि बाड़ाबंदी करनी पड़ रही है, कांग्रेस सरकार बचाने के लिए बाड़ाबंदी कर रही है, और बीजेपी अपने विधायकों की बाड़ाबंदी करके भी बचा नहीं पा रही है, वोट क्रॉस हो जाता है। जब सरकार गिराने की बात थी, कम से कम हम लोग वादे के तो पक्के, उस समय भी हम सरकार गिराने वालों के साथ थे, गहलोत से हमारा व्यक्तिगत झगड़ा था, या स्टेट के अंदर वसुंधरा के साथ जो गठबंधन उन्होंने किया उसको लेकर झगड़ा था, विकास नहीं करा पाए, रोजगार नहीं दिला पाए, किसान तकलीफ में था, हमारे विधायक विधानसभा में बैठे थे और वसुंधरा ने 6-7 विधायकों को एब्सेंट करा दिया था, क्या पता फ्लोर टेस्ट हो जाए, भाग जाओ आप यहाँ से, और दिल्ली वाले कुछ भी नहीं बिगाड़ सके वसुंधरा का। ये तो मिला जुले का खेल चल रहा राजस्थान के अंदर, इस खेल को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खत्म कर देगी राजस्थान।
ये अनुमान मनवाल जिनका साफ तौर पर कहना है कि अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरीके से मोदी सरकार ने डिसीजन लिया वो गलत है और उसी के खिलाफ वो आवाज़ जोधपुर से लेकर दिल्ली तक उठाएंगे। दिनेश भौरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।